हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बुरी खबर की। सभी को मालूम है कि किस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री हो या म्यूज़िक इंडस्ट्री, उस पर अब काले बादल छा चुके हैं। हर कोई दुनिया को छोड़कर जा रहा है, अलविदा कह रहा है। लेकिन इस खबर को सुनकर आप लोग हैरान तो होंगे, लेकिन शायद आपकी रूह तक कांप जाएगी। जी हाँ, बात यहाँ पर कर रहे हैं बी प्राक की नवजात कुछ मिनट पैदा हुई पहले बेटी की, जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। जी हाँ, ये पूरी तरीके से सच है कि सिंगर और म्यूज़िक डायरेक्टर बी प्राक और उनका परिवार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उनके पति ने दूसरे बच्चे मीरा को जन्म दिया, जिसके कुछ देर बाद ही उनका निधन हो गया। और इस घटना ने सिंगर को पूरी तरीके से झकझोर के रख दिया। अब उन्होंने अपना दुख फैंस के साथ बांटा है। बी प्राक ने 2 महीने पहले ही अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी की जानकारी दी थी। एक पोस्ट उन्होंने लिखा है, जो पोस्ट आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में, लिखते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए इससे ज़्यादा दर्द भरा कुछ नहीं हो सकता। बड़े ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि जन्म के समय हमारे नवजात शिशु का निधन हो गया। माता पिता के रूप में हम जिस वक्त से गुजर रहे हैं, वह सबसे दर्दनाक है। उन्होंने लिखा कि हम सभी डॉक्टर्स और स्टाफ के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। फैंस कुछ समय के लिए उन्हें अकेला रहने दें और लोग उनकी निजता का ख्याल रखें। बी प्राक और उनकी पत्नी मीरा बच्चन अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान को लेकर काफ़ी खुश थे और उनके स्वागत की तैयारी भी शुरू हो गई थी। लेकिन उन्हें क्या ही मालूम था कि खुशियां चौखट से ही लौट जाएंगे। इस दुख की घड़ी में लोग बी प्राक और मीरा का हौसला बढ़ा रहे हैं। उनके पोस्ट पर करण जौहर ने लिखा कि मेरे विचार और प्रार्थनाएँ आप दोनों के साथ हैं। तो गौहर खान लिखते हैं कि ओ माय गॉड, भगवान आपको और आपकी पत्नी को मजबूती दे, बच्चे के लिए प्रार्थना जो अब एंजल है। वहीं नेहा कक्कड़ लिखती है कि माता रानी वाहेगुरु मेहर करे। 2 महीने पहले सिंगर ने नए मेहमान के आने की अनाउंसमेंट अपने इंस्टाग्राम पर की थी। करते ही लिखा था कि 9 महीने में लाइफ टाइम प्यार में डूबने की तैयारी हो रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि समर 2022। प्राक और मीरा ने 2019 में शादी की थी और शादी के साल बाद उन्होंने बेटे का वेलकम किया था। उन्होंने तब कामयाबी हासिल की थी और 2017 में मन भरिया गाने को लेकर ये गाना रातों रात सुपरहिट हो गया था। और इसके बाद बी प्राक ने एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। तेरी मिट्टी गाने के लिए वह 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला था। लेकिन इस वक्त उनका पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा दुख में नज़र आ रहा है। अब आप लोग भी उनके लिए दुआ कीजिए कि वो इस दुख भरी इस दास्ता से गुजर सके। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।